यमुना खादन में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर आध्यात्मिक गुरु रविशंकर और राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ठनती जा रही है। एनजीटी ने गुरुवार को कहा कि आध्यात्मिक गुरु कल तक जुर्माने की राशि 5 करोड़ रुपए जमा कर दें। एनजीटी ने साथ ही ये भी कहा कि जुर्माने की राशि जमा किए जाने पर कानून अपना काम करेगा। एनजीटी ने जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पहले गुरुवार तक का समय दिया था, जिसे उसने एक दिन और बढ़ा दिया है। देश की 17 बैंकों के 9000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया छोड़ देश से भाग निकले विजय माल्या का मुद्दा गुरुवार को संसद से सड़क तक छाया रहा। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो माल्या पर मेहरबान थी, जिस कारण लुकआउट नोटिस के बावजूद वो फरार हो गए। बचाव में सरकार ने कहा कि माल्या पर संप्रंग की कृपा थी, बैंकों को उनसे पाई पाई वसूलने की खुली छूट है। लोकसभा में जेटली ने कहा कि विजय माल्या पर SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह का नवंबर 2015 तक 9000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अब देश भर में उनके खिलाफ 22 केस दर्ज किए गए हैं। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने वाला रियल एस्टेट बिल गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। इसके लागू होने से देश में फ्लैटों की गुणवत्ता से लेकर तय वक्त पर घर देने के लिए रियल एस्टेट कंपनियां मजबूर होंगी, जिसका सीधा फायदा आमजन को मिलेगा। बिल पर नरेंद्र मोदी की सरकार को कांग्रेस का भी साथ मिला है। JNU में देश विरोधी नारे लगाए जाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि इस बीच यूनिवर्सिटी के PhD छात्र ने आत्महत्या कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छात्र की पहचान 25 वर्षीय दुष्यंत के रूप में हुई है। दुष्यंत बरेली का रहने वाला था और JNU से PhD कर रहा था। बताया जा रहा है कि दुष्यंत JNU कैंपस के पास ही बेरसराय में रह रहा था। फिलहाल सुसाइड नोट और खुदकुशी के कारणों पर सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के 6th नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1F का सफल प्रक्षेपण PSLV-C32 के द्वारा किया गया। अंतरिक्षीय कचरे की वजह से ये 1 मिनट की देरी से लॉन्च हुआ। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C32 ने श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से IRNSS-1F को लेकर उड़ान भरी, जिसका उद्देश्य अमेरिकी ग्लोबल पोजिशन सिस्टम के अनुरूप सही नेविगेशन सुविधा देना है। बलात्कार के आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव ने सरेंडर कर दिया है। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में राजवल्लभ ने सरेंडर किया है। राजवल्लभ पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। उसके बाद से विधायक लगातार फरार चल रहे थे। कोर्ट ने विधायक को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। राजवल्लभ पुलिस को चकमा देते हुए सीधे कोर्ट पहुँच कर सरेंडर कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के गैर मराठा ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपको बता दें कि बुधवार को राज ठाकरे ने एक बार फिर मराठी मानुष का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया था कि नए ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन गैर मराठियों को दिया जा रहा है। मनसे प्रमुख ने कहा जो नए ऑटो रिक्शा गैर मराठियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुरादाबाद के बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सहित 3 लोगों की आज बदायूं में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सभी लोग इटावा के सैफई जा रहे थे। पेशे से अधिवक्ता हाजी इरफान ने नवगठित बिलारी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। आजम के करीबी लोगों में थे विधायक हाजी इरफान। मुरादाबाद के बिलारी से विधायक हाजी इरफान अपने बेटे फहीम के साथ फॉर्चूनर गाड़ी UP-21BA-1011 में सवार होकर शिवपाल सिंह के बेटे आदित्य की शादी में शामिल होने सैफई जा रहे थे। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद यहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिलानी के प्रवक्ता अयाज अकबर ने कहा उन्हें दिल का दौरा पड़ा लेकिन वो मामूली था। भगवान का शुक्र है उनकी हालत अब स्थिर है। अकबर ने कहा कि 86 वर्षीय गिलानी को दक्षिणी दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है।